नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है माइंड ट्रिक्स। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो एक मैथमेटिकल ट्रिक है। यह एक ऐसी ट्रिक है जिसका उपयोग करके आप किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हो, चाहे वो आपका टीचर ही क्यों ना हो। इस ट्रिक से आप किसी भी एक संख्या से उसका आंसर पहले ही बिना जोड़े आप बता सकते हो। यह 5 संख्याओं का जोड़ होगा और 5 संख्याओं का योग आप पहली संख्या को देखकर ही उसका आंसर बता सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना यह होगा कि किसी से भी आपको 2, 3, 4 या कितने भी अंकों की संख्या को पूछ लेना है। जब वो बताएगा, मान लीजिए कि 3 अंकों की संख्या वो बताता है आपको, जैसे कि ये 3 अंकों की संख्या उसने बताई है, ये है 7, 0, 4। अब आपको इस संख्या का आंसर पहले ही लिख देना है नीचे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ संख्या का आंसर, देखिए मैंने लिखा 2702, 2702। यह मैंने कैसे लिखा आप इस वीडियो को पूरा देखते जाइए, मैं आपको समझाता जाऊंगा। इसके बाद दोबारा उससे 3 अंक की एक और संख्या पूछ लीजिए। मान लीजिए कि वह संख्या फिर से दोबारा बताता है 398, 398। अब संख्या लिखने की बारी आपकी आएगी, आपको संख्या लिखनी है 601। यह संख्या मैंने लिखी है, एक बार दोबारा फिर उससे पूछना है 3 अंकों की एक संख्या कौन सी भी। वह मान लीजिए वह बताता है 5, 4, 6। अब आपकी बारी है, आपको लिखना है कुछ भी 4, 5, 3। और अब इन सब को जोड़ेंगे तो देख लीजिए, जोड़ कर देख लीजिए आप, आंसर आएगा 2702। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये संख्या पहले से ही जोड़ी हुई थी तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये आप भी कर कर देख सकते हैं और आप जरूर करिएगा किसी के साथ। आप मान लो 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक कितने भी अंकों की संख्या किसी दूसरे से पूछिए और उसका आंसर नीचे लिख दीजिए। अब आंसर आपको कैसे लिखना है मैं ये आपको बताऊंगा। तो चलिए कैसे इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। किसी ने यह संख्या आपको बताई है 3 अंकों की, 704 आपको बताया गया है कि इस संख्या का आपको जवाब लिखना है, तो आप इसका जवाब कैसे लिखोगे? तो आपको इस संख्या का जवाब कुछ इस प्रकार लिखना है। सबसे पहले आप 2 लिख लीजिए, सबसे पहली संख्या 2 लिख लीजिए आप, आगे ये 2 लिख लिया, जिसके बाद ये 4 जो लास्ट में दिख रहा है इसमें से 2 घटा दीजिए, तो कितने बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये 2 यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और ये जो 2 लिखा है ये 2 ये अपने मन से लिख दीजिए, और जो बीच के ये 7 और 0 है ये बीच में ही रहने दीजिए, 7, 0। आ गया समझ में? अब अगली संख्या दोबारा दूसरा व्यक्ति बताएगा आपको, मान लीजिए उसने कहा 398, तो इसके आगे की संख्या आपको किस प्रकार लिखनी है वो समझ लीजिए। इसके आगे आपको लिखना है 601। यह आप किस किस प्रकार लिखेंगे, आपको ये सेकंड वाली संख्या देखनी है, जैसे 3 लिखा है इसके नीचे आपको लिखना है 6, 3 और 6 कितने होते हैं 9, और 9 लिखा है इसके नीचे कितना लिखना है आपको 0, क्योंकि 9 और 0 कितने होते हैं 9। 8 लिखा है इसके नीचे कितना लिखना है आपको 1, 8 और 1 कितने होते हैं 9, मतलब दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए, ऊपर और नीचे की संख्याओं का योग। अब फिर से दोबारा आपको वो एक संख्या लिखने को कहेगा, आप लिख लीजिए उसकी संख्या जो आप बताएगा। मान लीजिए उसने बताया 5, 4, 6, अब इसका जवाब लिखना है आपको नीचे, एक संख्या आपको लिखनी है, तो आप अगली संख्या आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 5 की जगह नीचे लिखेंगे 4, और 4 के नीचे लिखेंगे 5, और 6 के नीचे लिखेंगे 3। अब इन सब को जोड़ने पर संख्या 2702 ही आएगी।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। यदि इसके बारे में कोई और कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।